सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय का बीती रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की कार्डियो अरेस्ट से जान चली गई है। उन्होंने 10:30 बजे आखिरी सांस ली, तो वहीं उनके जाने के बाद अब उनके तमाम किस्से सामने आ रहे हैं। तमाम यादें ताजा हो रही हैं, जिनमें से एक किस्सा है जब सुब्रत रॉय के यहाँ जश्न की वजह से पूरे बॉलीवुड का काम रुक गया था। आइए जानते हैं वो वजह क्या थी। ये साल था सन 2004, जब सहारा श्री का नाम देश की शक्तिशाली हस्तियों में लिया जाता था। उस वक्त उनके तारे बुलंदियों पर थे। उस साल सहारा श्री सुब्रत रॉय के दोनों बेटों सुशांत रॉय और सीमांत रॉय की शादी थी। अब इतने बड़े रईस के बेटों की शादी और जश्न ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बेटे सुशांतों की शादी 10 फरवरी को थी, जबकि छोटे बेटे सीमांतों की शादी 14 फरवरी को। बड़े बेटे की शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हफ्ते भर चलने वाले शादी समारोह में राजनीति, उद्योग, खेल, मनोरंजन और मीडिया समेत कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां यहां पहुंची थी। इस शादी को यादगार बनाने के लिए कलाकारों और खिलाड़ियों की लंबी फौज लखनऊ के सहारा शहर में रुकी थी। रोज कोलकाता, मुंबई और दिल्ली से सहारा के चार्टर प्लेन उड़ान भर रहे थे और मेहमानों को लखनऊ पहुंचा रहे थे। मुंबई में हालात ऐसे थे कि पूरे बॉलीवुड ने 10 से 14 फरवरी को फिल्मों की शूटिंग रोक दी थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि सभी बड़े फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री समेत गायक, यहां तक कि फिल्मों की शूटिंग करने वाले कैमरामैन और डायरेक्टर सबके सब लखनऊ में मौजूद थे। मौका था सुब्रत रॉय की बेटे की शादी। शादी में अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार मौजूद था। राजनीति से सोनिया गांधी समेत तमाम नेता मौजूद थे। फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां मौजूद थीं। तो वहीं शादी की देखरेख के लिए सहारा परिवार ने अपने 4000 कर्मचारियों सहित कुल 7000 लोगों को तैनात किया था। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शाही शादी पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रॉय ने घोषणा की थी कि उनकी कंपनी सप्ताह भर चलने वाले शादी समारोह में देश भर में 1,40,000 भिखारियों को खाना खिलाएगी। इसके अलावा सहारा समूह के तत्वाधान में 101 गरीब कन्याओं की शादियां भी आयोजित की जाएगी। उस दौरान लखनऊ का नजारा ऐसे था कि पूरा लखनऊ शहर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ लंबी लंबी आलीशान गाड़ियां, नामचीन लोग होटलों में रुके हुए थे। सभी 2-स्टार होटल मेहमानों के लिए बुक किए गए थे। इनके अलावा सहारा के हेलीकॉप्टर लखनऊ हवाई अड्डे और सहारा शहर हेलीपैड के बीच लगातार उड़ान भर रहे थे। बताया जाता है कि शादी और बारात की भीड़ में रिलायंस समूह के अनिल अंबानी कहीं खो गए थे, जिन्हें ढूंढने में अमिताभ बच्चन समेत कई सुरक्षा अधिकारी और व्यवस्थापक बेचैन हो गए थे। अंबानी शादी में बारातियों और मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।